नमस्कार दोस्तों, मैं सिंफनी कूलर स्पेशलिस्ट आज आपके सामने लेकर आया हूँ वर्ल्ड फर्स्ट वॉल माउंटेड एयर कूलर सिंफनी क्लाउड। आज हम इसमें मोटर कैसे चेक करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। मोटर चेक करने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे पावर सप्लाई। मेन पावर सप्लाई चेक करने के लिए मैंने मेन स्विच ऑन कर दिया है। अब हम मल्टीमीटर के द्वारा इस पावर सप्लाई को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने मल्टीमीटर ले लिया है। अब मेरा ये जो रेड प्रोब है इसको मैं रख रहा हूँ न्यूट्रल केबल पे। यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का केबल आप देख रहे हो वो मेन कोड है, मेन न्यूट्रल कोड है। तो मैं ब्लैक प्रोब मैंने उसके ऊपर रख दिया है और रेड प्रोब को मैं लाइव केबल पे रख रहा हूँ। तो अभी आप यहाँ पे रीडिंग देख पा रहे हो, 229 एसी वोल्टेज हमें मिल रहा है, मतलब पावर सप्लाई प्रॉपर है। तो अब हम दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं मोटर की ओर। तो मोटर को कैसे चेक करना है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। मोटर चेक करने के लिए हमें यहाँ से ये सारे जो बैक पैनल पे जो स्क्रूस लगे हुए हैं, ये देखो, ये यहाँ पे सारे सब जगह पे स्क्रू लगे हुए रहते हैं, ये चारों ओर स्क्रू है। तो सारे स्क्रू हमें खोलने हैं। सबसे पहले स्क्रू खोलने के बाद हमें ये जो अटैचमेंट है ये निकालना है। ये डायरेक्ट जो वाटर टैंक के साथ अटैच होता है वो अटैचमेंट है जिसके द्वारा टैंक में पानी जाता है, तो वो अटैचमेंट हमने निकाल दिया है। फिर दूसरा ये नॉब है जहाँ से हम ड्रेन पानी ड्रेन कर सकते हैं, वो हमने अटैचमेंट निकाल दिया है। इसके अलावा दूसरा एक केबल यहाँ पे रहता है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पे ब्लैक कलर का केबल है, इसको हमें पुल करके निकाल देना है। तो अब ये इस बॉडी के साथ जो भी अटैचमेंट थे वो निकल चुके हैं। अब हमें इस बॉडी को निकालना है, तो हम इसको ऊपर की तरफ पुल करेंगे और बड़ी सावधानी के साथ ये अटैचमेंट हमारा निकल गया है। अब हमें मोटर चेक करने के लिए सबसे पहले ये जो ब्लोअर कवर है उसको हमें खोलना है। तो ब्लोअर कवर खोलने के लिए यहाँ पे दो स्क्रू दिए गए, तो वो दो स्क्रू मैं खोल रहा हूँ। फिर सेम दूसरा ब्लोअर कवर है उसके स्क्रू खोल रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने ब्लोअर कवर के स्क्रू खोल दिए हैं और मैंने ब्लोअर को बाहर की ओर खींचा तो ये ब्लोअर बाहर आ गया है। इसको बड़ी सावधानी के साथ हमें खींचना है। उसी तरह से मैं दूसरा ब्लोअर कवर खींचूंगा, देखो ये भी बड़ी सावधानी के साथ बाहर आ गया। अगर मोटर वर्क नहीं कर रही तो हम पहले ये देखेंगे कि हमारी ये जो क्लाउड मोटर की जो मोटर है वो जाम तो नहीं है। अगर जाम है तो हमें इसके ये जो शाफ्ट आप देख रहे हो यहाँ पे हमें SE40 नंबर का ऑयल डालना है। देखो ये जो शाफ्ट है हमारी, यहाँ पे हमें SE40 नंबर का ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद हमें दोनों ब्लोअर को इस बहुत ही आसान बहुत ही इजी तरीके से पकड़ के हमें इसको ऐसे मूवमेंट देना है। मूवमेंट देने के बाद अगर ये मोटर फ्री हो जाती है और प्रॉपरली काम करने लगती है तो इसका मतलब हमारी मोटर ये जो है क्लाउड मॉडल की वो प्रॉपरली वर्किंग है। लेकिन ऑयल डालने के बाद और फ्री करने की हमने कोशिश की, उसके बाद भी अगर ये फ्री नहीं होती है या फिर फ्री होने के बाद चल नहीं रही है तो उस समय हमें इस मोटर को रिप्लेस करना है। मोटर रिप्लेस करने के लिए हमने ये दो ब्लोअर कवर तो हमने हटा दिए हैं। अब हमें ये जो स्टैंड है, जो मोटर माउंटिंग स्टैंड है, इसको हमें खोलना है। यहाँ पे चार स्क्रू दिए गए हैं, दो यहाँ पे ऊपर की तरफ दिए गए टॉप और दो बॉटम की ओर। तो हमें ये चार स्क्रू खोलने हैं। ये कवर हटाने के बाद देखो, अब मैं आपको ये स्क्रू खोल के दिखाता हूँ।
ये बॉटम के चार दो स्क्रू मैंने खोल दिया, अब टॉप के दो स्क्रू में वो खोल रहा हूँ। तो दोस्तों ये चारों स्क्रू मैंने अभी खोल दिए हैं, और ये जो स्टैंड है इसको हमें ऐसे रिमूव करना है। स्टैंड को निकालने के बाद अब हमें ये जो पीसीबी के अंदर जहाँ पे ये मोटर के जो कनेक्शन दिए गए हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो ब्लैक यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का केबल है जो थोड़ा थिक है वो न्यूट्रल है मोटर का, तो ये स्क्रू लूज करके हमें ये न्यूट्रल केबल निकालना है। फिर यहाँ पे जैसे कि इंडिकेट किया गया है हाई, मीडियम और लो, तो ये तीनों केबल मोटर के हमें इन तीनों केबल को निकालना है। ये तीनों केबल और ये चौथा न्यूट्रल, ये चार केबल हमें यहाँ से निकाल देना है, और अंदर बॉडी के अंदर ये जो केबल टाई के साथ यहाँ पे लॉक है यहाँ से हमें खींचना है। ये केबल चारों के चारों केबल अंदर की तरफ आ जाएंगे। अब हमें मोटर को हल्के से थोड़ा उठाना है, उठाने के बाद आप देखोगे तो केबल को यहाँ पर भी केबल टाई के साथ बांधा हुआ है, तो हमें ये केबल टाई भी काटनी है। ये काटने के बाद हमारी मोटर इजीली रिमूव हो जाएगी। मोटर रिमूव करने के बाद जैसे कि आप ब्लोअर में देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये ब्लोअर खोलने के लिए स्क्रू दिए गए हैं, एक इस तरफ है और दूसरे ब्लोअर का स्क्रू ये अंदर की तरफ है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये दो स्क्रू हमें खोलने हैं और ब्लोअर को ऑपोजिट साइड में हल्के से खींचना है। ये खींचेंगे तो हमारे ब्लोअर मोटर मोटर से अलग हो जाएंगे, और हमें नई मोटर को इसी तरह से दोनों ब्लोअर लगाने हैं, और जिस तरह से हमने खोला है, जैसे कि हमने मोटर माउंटिंग स्टैंड खोला है और ये ब्लोअर कवर हमने खोले, वो सब हमें अटैचमेंट लगाने हैं। पहले हम लगाएंगे मोटर माउंटिंग स्टैंड, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मोटर माउंटिंग स्टैंड मैंने उसकी जगह पे मैंने फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया था कि चार स्क्रू खोले थे, 1 2 3 4, दो टॉप पे दो बॉटम पे, ये चारों स्क्रू हमें लगाने हैं। इसके बाद हमें ये ब्लोअर कवर भी अटैच करना है। ब्लोअर कवर को अटैच करने के बाद हमें उसको भी स्क्रू के साथ यहाँ पे फिट करना है, दो यहाँ पे दो यहाँ पे, और जिस तरह से हमने ये कूलर की बॉडी खोली थी उसी तरह से हमें वो बॉडी प्रॉपरली फिट करनी है। और यहाँ से हमने ये जो पानी का जो इनलेट जो वाटर टैंक के साथ कनेक्ट करता है वो जो हटाया था, वो भी बॉडी लगाने के बाद वो भी उसको भी प्रॉपरली टाइट करना है, और यहाँ पे हमने जो ड्रेन का जो नॉब दिया था वो नॉब भी हमें लगाना है, और आगे पीसीबी में ये सारा कनेक्शन हो जाता है। और यहाँ पे हमें पीसीबी में केबल्स के सारे कनेक्शन देने हैं, हाई, मीडियम, लो और न्यूट्रल, जो ऑलरेडी पीसीबी के अंदर इंडिकेट किया गया है। तो दोस्तों मैं आशा रखता हूँ कि मैंने आपको जो वर्ल्ड फर्स्ट वॉल माउंटेड एयर कूलर सिंफनी क्लाउड में मोटर कैसे चेक करते हो और कैसे रिप्लेस करते हो उसके बारे में जो जानकारी दी वो आपको हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद।